फ्रेंड आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे एक फिर से स्वागत है। तो लेके आ गए नया वीडियो जहाँ मैं बात करने वाला हूँ बिहार के अंदर बिहार BPSC द्वारा फिर से एक वैकेंसी निकाली गई है जिसको हम बोल सकते हैं असिस्टेंट इंजीनियर का यहाँ पे वैकेंसी जिसको हम लोग AE कहते हैं। तो इस वीडियो में बात करेंगे इसके फुल नोटिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले जानेंगे कि इसमें कौन से कौन अप्लाई कर सकते हैं और सर स्टार्टिंग कब से कब होने वाला और उसका लास्ट डेट कब होने वाला, कितने फीस लगेगा, जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपको किसी भी कैंडिडेट को चाहिए मैं उसी तरह से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो पहली बार आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिएगा, नहीं तो डिसलाइक करके भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आपकी फीडबैक मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अच्छी वीडियो हो तो अगर लाइक कीजिएगा, नहीं है तो डिसलाइक भी कीजिए, मैं उस वीडियो में इंप्रूवमेंट करना चाहूंगा। तो सबसे पहले यहाँ विज्ञापन संख्या 3/2020 के बारे में देख रहे हैं, यहाँ पर लिख रहा है तो मतलब BPSC के अंदर ये तीसरी बार निकाली गई 2020 के अंदर वैकेंसी जहाँ पे 31 पोस्टों के लिए यहाँ पे निकाले गए भारतीय उम्मीदवार से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन भरने के लिए आपको bpsc.bih.nic.in पे आपको जाना पड़ेगा जहाँ पे आपको इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले बेसिक अगर बात करते हैं तो सीट कितना यहाँ पे डाला गया, तो यहाँ पर जनरल के लिए 4 सीट है, EW के लिए 3 सीट है, वहीं पे SC की बात करते हैं तो 0 सीट है, ST की बात करें तो 1 सीट है, EBC की बात करते हैं तो 3 सीट है, OBC की बात और OBC BC2 की बात करें 14 सीट है और पिछड़े वर्ग की महिलाएं की बात करें 6 सीट है। तो टोटल यहाँ पे 31 पोस्ट है जहाँ पे आपको महिलाओं को भी यहाँ पे कुछ आरक्षण देके यहाँ पे 6 पोस्ट एक्स्ट्रा यहाँ पे दिया गया, उसी से काट कर रखेगा। अब यहाँ बात करते हैं तो यहाँ पे जैसे कि जिसे जो स्वतंत्रता सेनानी को जो राज कोई से पोता पोती नाते नाते जो भी होंगे उनको यहाँ पे किसी प्रकार का प्रिफ्रेंस नहीं है, अगर वो देंगे तो भी मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो उसको यहाँ पे कोई प्रिफ्रेंस सीट को नहीं है तो लेकिन आप भर सकते हैं, आप जनरल से फाइट कीजिएगा। उसी प्रकार से SC का जो यहाँ पे सीट है यहाँ पे 0 दिखा रहा है, पर आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं जनरल से फाइट आप कर सकते हैं। वहीं बात करते हैं दिव्यांग के लिए, यहाँ पे देख रहे हैं कुल यहाँ पे आरक्षित सीट है, यहाँ पे टोटल 4 सीट यहाँ पे दिया गया जहाँ पे आपको देख रहे हैं यहाँ पर दृष्टि बाधित, मुख बाधित, अस्थि विकलांग, मनोविकार या बहुत दिव्यांग के लिए यहाँ पे एक सीट करके दिया गया। पर यहाँ पे 2 वैकेंसी मतलब कि मुख बाधित DD में डिफ में जो होंगे और OH मतलब ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड होंगे उनको 0 सीट, यहाँ पे किसी प्रकार सीट यहाँ पे रिजर्व नहीं है, तो वो लोग जनरल से फाइट करना पड़ेगा या अपने कैटेगरी से फाइट करना पड़ेगा। साथ ही वेतन मान तो बहुत ही भयानक इसका है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना है, तो 5400 का ग्रेड पे है जहाँ पे आपको 9 लेवल 9 का आपको यहाँ पे पेमेंट मिलेगा, तो बहुत ही ज़्यादा हद से ज़्यादा पैसा इसमें बहुत मिलने वाला क्योंकि असिस्टेंट इंजीनियर BPSC द्वारा इसलिए बहुत ज़्यादा महंगा है। अब यहाँ बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता की मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो यहाँ लिखा किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से AICT से अप्रूव होने वाले अभियंत्रण डिग्री में मतलब कि सिविल डिग्री में होना बहुत जरूरी है, मतलब सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए। डिप्लोमा वाले सिविल इंजीनियर नहीं भर सकते हैं, दिमाग में क्लियरली रख लीजिए कि डिप्लोमा वाले इसे नहीं भर सकते हैं। और साथ में अगर बात करें तो डिप्लोमा के बाद जो लेटरल एंट्री से जो BTEC करते हैं वो लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं, अगर उनका पूरा BTEC कंप्लीट हो गया हो तो, जो फाइनल ईयर में होंगे वो अप्लाई नहीं करेंगे, ये चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं यहाँ पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय जैसे डीम्ड विश्वविद्यालय से मात्र नियमित रूप से संचालित तकनीकी पाठ्यक्रम में प्राप्त उपाधि मान्य होगी, ना कि दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से। मतलब यहाँ पे ये क्लियर कर रहा है कि जो लोग रेगुलर से पढ़ाई मतलब कि जो डीम्ड यूनिवर्सिटी से जो आप BTEC किए होंगे तो उसमें अगर जो वहाँ पे 2 कोर्स होता है, रेगुलर होता है और आपका कैसे डिस्टेंस होता है, तो डिस्टेंस जो लोग इसे कंप्लीट किए होंगे वो इसे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, पर जो रेगुलर से किए होंगे वो इसे अप्लाई जरूर कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा आपने गलती कर दिया, अगर डिस्टेंस वाले भर दिए ना तो उनका पेमेंट चला जाएगा, उसको परफॉर्मेंस खत्म हो जाएगा क्योंकि पहला प्रोसेस के बाद पहला रजिस्ट्रेशन के बाद तो फिर पेमेंट ही होता है, उसके बाद ही फॉर्म भरने दिया जाता है, यहाँ ध्यान रखिएगा। तो मैंने जो अभी यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। अभियंत्रण संस्थान का सह सदस्य अथवा अभियंताओं के संस्थान भारत से प्रशाखा A और A के उत्तीर्ण अथवा अभियंताओं के संस्थान भारत द्वारा प्रस्वीकृत संस्थान से प्रशाखा A और A के समतुल्य परीक्षा में उत्तीर्ण होकर अन्य उपाधि प्राप्त की हो, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे चलिए बात करते हैं और भी, जैसे टिप्पणी एक यहाँ देख रहे हैं कि जो व्यक्ति अस्थायी या स्थानापन रूप से या परीक्षा मान रूप में सरकारी सेवा में हो वह इस समय के उपबंधों का दिन सीधे भर्ती के लिए आवेदन कर सके, मतलब डायरेक्टली फॉर्म भर सकते हैं। अगर जो एक्सर्विस माइन में होंगे जो सर्विस माइन में होंगे वो डायरेक्टली से अप्लाई कर सकते हैं। निमंकित को छोड़कर जो व्यक्ति सरकारी सेवा में संपुष्ट हो वह इस रूप में नहीं होगा, मतलब जो लोग अगर जो सरकारी सेवा में हैं लेकिन वो क्या कर रहे हैं और वो अभी किसी जो जो नीचे दिया गया डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं तो इसे अप्लाई नहीं कर सकते, जैसे कि अगर अभियंत्रण सेवा के सदस्य होंगे तो वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दूसरा है खंड 4 में निर्देशित योग्यता रखने वाले अन्य सेवाओं के सदस्य प्रोन्नति द्वारा स्थानांतरण द्वारा इस नियमावली के भाग 3 में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार नियुक्ति के पात्र होंगे। तो ये से भी कुछ अलग चीज़ ही कह रहा है, इसको छोड़ ही देने में फ़ायदा है,
अब हम बात करते हैं डायरेक्टली इसके उम्र सीमा के लिए। तो उम्र सीमा में यहाँ पे देख रहे हैं न्यूनतम आपको 21 साल कम से कम होना चाहिए, अब मैक्सिमम जो होना चाहिए 37 साल तक होना चाहिए। यहाँ पे देख रहे हैं कि न्यूनतम 21 और मैक्सिमम 37, और वहीं पे 3 साल छूट देगा ओबीसी को, मतलब एबीसी ओबीसी दोनों मिलाकर तो 40 साल। अगर वहीं बात करते हैं जनरल महिलाओं के लिए तो यहाँ पे उनका 40 साल उनका दिया गया है, और साथ में अगर हम बात करते हैं एससी एसटी की तो वहाँ पे उनका 5 साल छूट दिया जाएगा, तो यहाँ पे 52 साल हो जाएगा। फिजिकल हैंडीकैप की बात करते हैं तो यहाँ पे उनको 10 साल एक्स्ट्रा दिया जाएगा, जनरल कैंडिडेट को 10 साल छूट मिलेगा अगर 21 अगर 37 है तो 47 वाले तक अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम ओबीसी की बात करते हैं तो उनको यहाँ पे 13 साल का छूट दिया जाएगा, जिसमें कि 10 साल तो आपका जो हो गया जनरल कैटेगरी जो आपका फिजिकल हैंडीकैप था, 3 साल जो आपको मिल ही रहा था उससे, तो यहाँ पर अगर देखिएगा 13 साल जोड़ दीजिएगा 40 में से था 53 साल। अगर वही बात करते हैं एससी एसटी फिजिकल हैंडीकैप के लिए तो उनको यहाँ पर इसमें से 15 साल जोड़ दीजिए, मतलब क्या भर सकते हैं 57, अब इसे 15 जोड़ लीजिए तो आपको 57 साल तक जो होंगे वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे कह रहा है। अब आगे ये नीचे देख सकते हैं तो और भी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो भी समय लिख बता ही दिया मैंने आपको, चयन प्रक्रिया की बात करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं चयन प्रक्रिया क्या है कि विज्ञापित पदों के विरुद्ध अनियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों के चयन के लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, मतलब लिखित परीक्षा का आयोजन किया ही जाएगा। क्रमिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संज्ञापन 15838 दिनांक 22 दिसंबर 1990 इस अपना जो फॉर्मेलिटी लिखता है, हाँ इसके ही नियम के अनुसार लिखता है 40% जनरल कैंडिडेट को नंबर आना चाहिए, ईबीसी की बात करते हैं ओबीसी को मानते हैं तो 36.5% नंबर आना चाहिए क्वालिफाई करने के लिए, वहीं पे एबीसी की बात करें तो 34% कम से कम नंबर आना चाहिए, वहीं एससी एसटी महिलाओं की बात करें विकलांग की बात करें तो 32% नंबर आना चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। बट ये क्वालिफाई जो है ये आपका मेरिट नहीं बनाएगा, यहाँ पे याद रखना है जो आपका जो क्वालिफाई करवाएगा ना ये मेरिट पे नहीं बनेगा, ये मेरिट आपको मैक्सिमम कट ऑफ को पार करना तभी आपका नाम आएगा। ये से फॉर्मेलिटी का कह दिया गया 40% मार्क्स लाना, ऐसा मत सोचिएगा 40 नंबर 100 में से 40 आए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है, आपको कट ऑफ पार करना पड़ेगा। साथ में लिखित परीक्षा 6 पत्रों की होगी, यहाँ पर 6 एग्जाम ही इसका लिया जाएगा, 6 पेपर होगा जिसमें 4 पत्र तो अनिवार्य होंगे और 2 पत्र ऐच्छिक होंगे, मतलब 2 पत्र में जो पेपर होंगे वो ऐच्छिक होंगे, जो आप देना है या ना दीजिए कोई मतलब नहीं है। बट आपको यहाँ देखिए 4 पत्र सभी के लिए अनिवार्य है, 2 आपके ऑप्शन होंगे आपको अपनी मर्जी से लेना है। तो प्रथम 4 पत्र इसमें के सामान्य अंग्रेजी, समान हिंदी, समान अध्ययन एवं समान अभियंत्रण विज्ञान वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, और साथ में 2 ऐच्छिक विषय क्वेश्चन जो होंगे वो भी ऑब्जेक्टिव के रूप में होंगे। सामान्य अंग्रेजी एवं समान हिंदी के पत्र क्वालिफाइंग होंगे, मतलब यहाँ पर जो 4 सब्जेक्ट में से 2 सब्जेक्ट जो कहा गया है आपको, जिसमें कि हम बात करें इंग्लिश की और हिंदी की, तो ये सिर्फ क्वालिफाइंग परसेंटेज होगा, मतलब ऊपर कहा गया जो तब क्वालिफाइंग नंबर लाना है तो जैसे 40 नंबर लाना 40% लाना पड़ेगा जनरल को, एबीसी की बात करेंगे 34%, वहीं ओबीसी की बात करते 36.5%, एससी की बात करते 32%, महिलाओं के 32%, एससी एसटी जो 32%, तो उनको हिंदी और इंग्लिश में 32-32 तो लाना पड़ेगा, लेकिन बाकी जो 2 पेपर बचेगा उसमें आपको कम से कम उसमें ज़्यादा मार्क्स लाना है। लेकिन यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे लिख रहा है कि हिंदी वाले न्यूनतम 30 अंक लाना जरूरी होगा, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश में कम से कम 30 नंबर आपको यहाँ पे लाना बहुत ही जरूरी है। साथ में अगर बात करें तो सामान्य अंग्रेजी एवं सामान्य हिंदी के पत्र में न्यूनतम प्राप्त अंक नहीं प्राप्त होने पर अभ्यर्थी पत्र विचार नहीं किया जाएगा, मतलब अभ्यर्थी तरफ विचार नहीं किया जाएगा, 30 नंबर से भी कम नंबर आता है तो उनको रिजेक्ट कर दिया फॉर्म को और वो रेस से बाहर हो जाएंगे, और मेरिट बनाने में इसका नंबर जुड़ेगा भी नहीं, यहाँ तो ध्यान रखना है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख ले अनिवार्य पत्र में आपको 4 पत्र तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे देख सकते हैं अंग्रेजी, हिंदी, जीके और इंजीनियरिंग का साइंस हो गया, जो कि सभी ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, ये भी दिख रहा है। 1 घंटा का सबका टाइम मिलेगा जिसमें कुल अंक 100-100 के होंगे, जिसमें कह दिया अंग्रेजी और हिंदी दोनों क्वालिफाइंग होंगे, जहाँ पे आपको सिर्फ क्वालिफाई ही करना है। अगर हम बात करते हैं ऐच्छिक विषय की, तो ऐच्छिक विषय में देख लीजिए आपको 2 सब्जेक्ट आपको यहाँ पे रखना ही पड़ेगा, सिविल इंजीनियरिंग। अब दोनों में अंतर तो कुछ नहीं दिख रहा, पर कुछ तो डिफरेंस होगा, आपको दोनों में उसको तो रखना ही पड़ेगा, दोनों ही लेना पड़ेगा। जहाँ पे दोनों में 1 घंटा का टाइम मिलेगा, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, जहाँ पे 100-100 मार्क्स का होगा, तो यहाँ पे 6 पेपर का एग्जाम होने वाला है और सभी में आपको यहाँ पे 4 पेपर ही आपका मेरिट बनाने वाला है। विस्तृत पाठ्यक्रम आपकी वेबसाइट पे उपलब्ध है, तो यहाँ पे देख लेंगे कहाँ पे आपको मिलेगा। अगर इसका अलग से वीडियो मिलेगा तो मैं उसका सिलेबस के बारे में जानकारी भी दे दूंगा, इसमें क्या क्या पढ़ना होगा, ठीक है, तो उसका भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, यह लिंक है, उसका अलग से वीडियो बनाऊंगा तो आपका सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाएगा, जल्द से जल्द उसको वीडियो भी अपलोड कर दूंगा।
ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं होगा। मतलब यहाँ पे ये कह रहा है जो फॉर्म अप्लाई करेंगे ना तो वहाँ पे आपको क्या बोलेगा, वहाँ पे लिखा रहता है कि आप आरक्षण लेना चाहते हैं तो यस या नो पे आपको सिर्फ क्लिक करना होता है। अगर आप किसी कैटेगरी से आते हैं तो यस कीजिए, नहीं तो नो करके आगे बढ़िए और जनरल में ही आप ट्रीट किए जाएंगे। जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवार को मिलेगा जो बिहार राज्य के निवासी होंगे। अगर बाहर बिहार के कोई अलग राज्य से आए होंगे तो उनको जनरल कैटेगरी से ट्रीट किया जाएगा। अब जो हमको एससी एसटी को जो लगेगा और ओबीसी को जो लगेगा फॉर्म जो लगता है फॉर्म भरने में तो नहीं लगता, पर बाकी जो वेरिफिकेशन में लगता है वो आपके पास होना चाहिए। जैसे कि जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास या मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना बहुत ही जरूरी है ताकि आप दावा कर सकें। उसी प्रकार से पिछड़ी जाति या अनपिछड़ी जाति मतलब ओबीसी की बात करें तो उनके पास क्रिमिनल और नॉन क्रिमिनल का सर्टिफिकेट होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है ना, ये भी चीज ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कोस्ट यहाँ पे कैटेगरी का नाम दे दिया कि इस प्रकार से कैटेगरी का नाम है, और भी कुछ इन्फॉर्मेशन इसके हिसाब से नहीं है। अब हम बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी से कतिपय सूचना सिर्फ डाटाबेस संधारित करने के लिए ही ली जाती है, ठीक है। अगर उक्त सूचना में संबंधित किसी प्रकार का छूट विज्ञापन में अंकित नहीं है तो उसका दावा ना तो मान्य होगा ना ही उसका लाभ देगा। मतलब जो झूठ मूठ के बोलेंगे मुझे इसमें चाहिए, इसमें कोई फायदा चाहिए, तो ऐसा नहीं मिला। जैसे कि एससी वाले होंगे, एससी बोलेंगे मेरा सीट इसमें हमको रिजर्व चाहिए, ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि विज्ञापन जो लिखा है उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे छूट भी मिलने वाला है। सभी अभ्यर्थियों को निम्नलिखित प्रमाण पत्र मूल में सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। मतलब आपको जब वेरिफिकेशन होगा तब आपको ये सब ले जाना पड़ेगा, जैसे कि मैट्रिक का प्रमाण पत्र हो गया या उसका अंक प्रमाण पत्र हो, जिसमें कि डेट ऑफ बर्थ लिखा होना चाहिए, और शैक्षणिक योग्यता मतलब ग्रेजुएशन इंटर इन सभी का मार्कशीट या जो सर्टिफिकेट वो रखना पड़ेगा। जाति द्वारा जो जाति का कीजिएगा, उम्र सीमा में जो भी आप छूट कर रहे हैं जैसे एससी एसटी हैं तो आपको वहाँ दिखाना पड़ेगा। अगर ओबीसी होंगे तो उनको भी सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा अगर ओबीसी का डिग्री से वो अगर चाहते हैं तो, ठीक है ना। और ये सभी जितने भी डॉक्यूमेंट्स होगा ना वो एक साल पहले का होना चाहिए, ठीक है ना, एक साल पहले का ही होना चाहिए, एक साल से पुराना नहीं होना चाहिए जो हम कहीं भी आप जाते हैं तो। एससी एसटी को फिर उससे लगेगा। फिर उसी प्रकार से अगर दिव्यांग होंगे तो उनको दिव्यांग का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, अगर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट होंगे तो उनको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ठीक है। आप किसी भी संस्थान से अगर आप पढ़ाई कंप्लीट करके निकले हैं तो उस संस्थान का आपको यहाँ पर चरित्र प्रमाण पत्र या आचरण प्रमाण पत्र आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अगर कोई किसी सरकारी जॉब काम करते हैं, सरकारी में अगर कहीं भी काम कर रहे हैं तो उनको वहाँ पे एनओसी सर्टिफिकेट वहाँ पे देना पड़ेगा वेरिफिकेशन समय, और साथ में एक फोटो आइडेंटिटी कार्ड होगा जिसमें आधार कार्ड पैन कार्ड जो भी आपके वोटर आईडी कार्ड जो भी आपके पास होगा। अब यहाँ बात कर लेते हैं कि शैक्षणिक योग्यता या लिख रहा है सभी प्रमाण पत्र आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो 9 अप्रैल 2020 है, लास्ट डेट आपका 9 अप्रैल 2020 है, तो 11 कब से होगा स्टार्ट, कब से होगा 11 मार्च से स्टार्ट होने वाला है या 10 मार्च से यह स्टार्ट कर दिया जाएगा, और उसकी अगर के पूर्व का निर्गत होना चाहिए। और यहाँ पे कह रहा है जो सर्टिफिकेट होगा ना जो पास होना चाहिए वो 9 अप्रैल 2020 से पहले का होना चाहिए। मतलब अगर आपने 8 अप्रैल को भी अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं बीटेक एग्जाम तो आप इसे भर सकते हैं। अगर फीस की बात करें तो फीस तो बहुत ज़्यादा काफ़ी महंगा रहता है इसका, है जहाँ देख लीजिए तो 750 रुपये लगता है जनरल कैंडिडेट के लिए। वहीं अगर बात करें सिर्फ बिहार के एस सी एस टी की बात करें तो उनको मात्र 200 रुपये लगता है। वहीं बात करें बिहार का स्थायी निवासी जितने भी आरक्षित वर्ग होंगे अनारक्षित वर्ग महिला उम्मीदवार है उनको यहाँ पे 200 रुपये लग रहा है। पहली बार यहाँ पे फीमेल को यहाँ पे कम किया जा रहा है पैसा। अगर दिव्यांग की बात करते हैं तो दिव्यांग को भी यहाँ 100 रुपये लगेगा, और बाकी ओबीसी ईडब्ल्यूएस को भी यहाँ पे 750 रुपये लगेगा, और साथ में इसमें बैंक का एक्स्ट्रा चार्ज आपको देना पड़ता है जो लगभग 60 रुपये भी पड़ता है, ठीक है। और वो देख लें तो यहाँ पे जो 60 रुपये अगर आप ऑफलाइन पेमेंट करते हैं मतलब चलान के माध्यम से तब आपको 60 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ता है, अगर नहीं अगर ऑनलाइन करते हैं तो आपको 60 रुपये बच जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे याद रखिएगा जो एस सी एस टी होंगे वहाँ पर ध्यान रखिएगा, और जो फीमेल होंगे तो ध्यान रखिएगा कि कंसेशनल फीस एग्जामिनेशन तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आपको लिखेगा कि आप दावा करते हैं अपने रक्षण का तो यस या नो पे आपको सिर्फ क्लिक करना है, ठीक है। तो यही तभी आपको यहाँ पे कंसेशनल फीस आपको मिलेगा। ऑनलाइन करने की डेट यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ लिखा है रजिस्ट्रेशन आपको 11 मार्च से स्टार्ट होगा और 25 मार्च को खत्म होगा, और पेमेंट करने का लास्ट डेट 31 मार्च तक दिया जा रहा है। फॉर्म भरने का अंतिम डेट है 9 अप्रैल 2020, और आयोग कार्यालय में स्पीड पोस्ट मतलब फॉर्म भरने के बाद आपको हार्ड कॉपी भेजना भी होगा जो 16 अप्रैल से 5 बजे पहले तक मिल जाना चाहिए, ध्यान रखना है। इसलिए पहली बार फिर बीपीएससी ने फिर नियम लगाया कि ऑनलाइन कराने के बाद फिर से ऑफलाइन भेजना पड़ेगा, उसमें 3 से 4 डॉक्यूमेंट निकलता है, और जब फॉर्म भरिएगा तो उसमें एक अलग से एक उसका जो बिहार का अपना बीपीएससी का जो एड्रेस होता है वो इन्वेलप उसको डायरेक्टली निकलेगा, उसको यहाँ पे काट कर उसका जो इन्वेलप होता है उसको चिपका देना है और आपको डाल देना है, उसको आपको कुछ उसके ऊपर कुछ लिखना नहीं है। तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा आप लोग को। और ये ध्यान रखिएगा फॉर्म कैसे भरते हैं, तो पहला दिन रजिस्ट्रेशन होगा। अगर आप चाहते हैं किस प्रकार से फॉर्म भरते हैं तो आप किसी भी पुराने वीडियो को बीपीएससी का उठा के आप देख सकते हैं कि उसे किस प्रकार से भरा गया है, तो मैं एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उस वीडियो को भी आप देख के समझ सकते हैं कि किस प्रकार से उस फॉर्म को भरा गया होगा पहले,
ठीक है, सेम टू सेम प्रोसीजर रहेगा, बस आपको जो प्रेफरेंस होगा वो सिर्फ अलग होगा, सब्जेक्ट अलग होगा। तो पहला आपका रजिस्ट्रेशन होगा, दोबारा दूसरा, फिर उसके अगले दिन पेमेंट होने वाला 11 बजे के बाद, चाहे आप 9 बजे रात में क्यों ना पेमेंट कर आप फॉर्म कर अपना रजिस्टर करते हैं तो आपको अगले दिन 11 बजे ही होगा। अगर आप 11:50 पर रजिस्ट्रेशन करते हैं रात के, तो आपको 11 बजे के बाद अगले दिन का 11 बजे आपको मिल जाएगा उसका लिंक एक्टिवेट। अब फिर जब लिंक पे पेमेंट करने के बाद, फिर उसके अगले दिन 11 बजे के बाद फिर आपका फॉर्म भरने का वहाँ पे प्रीफ्रेंस देगा। और फॉर्म जैसे प्रीफ्रेंस होगा, फिर आपको क्या करना है, जैसे भरा जाएगा तो आपको फिर से लॉग आउट करके फिर से लॉगिन कीजिएगा, तो फिर आपको वहाँ PDF मिल जाएगा। पर उसका लिंक अभी एक्टिवेट नहीं हुआ, तो मैं आपको बता दूंगा उसको जब उसका लिंक एक्टिवेट होगा तो उसमें किस प्रकार से भर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप तो आसानी से भर सकते हैं, आपको सबको समझ में आ गया होगा। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।